देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ में बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस या अजीत जोगी में से किसकी पार्टी के साथ होगा, इस पर कयासों का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी चौथी बार भी सत्ता में काबिज होने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के द्वारा 8 नक्सलियों को मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सली इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मारे गए नक्सलियों का बाकी नक्सली बदला ले सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर ट्रक मालिक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अगर केवल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही करीब 25,000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं, जिसकी वजह से हर दिन करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। करीब 52 दिन बाद अजीत जोगी स्वस्थ होकर छत्तीसगढ़ लौटे। लौटते ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की दुआओं का ही असर है कि उन्हें नया जीवन मिला। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ में कमल की नहीं बल्कि हल की सरकार चलेगी। छत्तीसगढ़ में अपने घर का सपना साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसी के तहत सरकार ने मकान का सपना पूरा करने के लिए लोगों को विशेष दर और विशेष छूटों में मकान दिए जाने का प्रावधान किया है। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।